गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा प्लस टू फिजिक्स के अंदर है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लेक्चर की स्क्रीनशॉट ले लो बिगिनिंग में, जैसा डेली बोला जा रहा है। और कोशिश करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ये काम तो सबसे पहले करके बैठा करो। आप सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चा हिंदी में जैसे बताते थे ना, उसी तरह से संधि कर दो इसकी विच्छेद। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेस, तीन वर्ड में तोड़ लीजिएगा, अपने आप वर्ड क्लियर हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यहाँ देखिएगा, यहाँ यहाँ चल रहा है सिस्टम। इक्वल पोटेंशियल सरफेस दैट मीन्स इट इज दैट सरफेस on which if we try to calculate the potential, then the potential difference between any two adjacent point are remain same। दोबारा से देखो, equipotential surface एक ऐसा surface जिसके ऊपर किन्हीं भी दो point पर, अलग अलग point पर, suppose ये board एक equipotential surface है। एक बार बेटा A point पर potential note करो, एक बार B point पर, A और B पर दोनों जगह पर potential बराबर आएगा। एक ऐसा सरफेस जिस पर किन्हीं भी दो पॉइंट पर कहीं भी अगर पोटेंशियल चेक किया जाए और पोटेंशियल का अमाउंट अगर बराबर आता है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बताओ समझ आ गया? एक बात आज ही बता देते हैं, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन 7 मार्क्स का ऐसे बोला जा रहा है, इक्वी इन केस ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस वर्क डन आर ऑलवेज रिमेन्स जीरो। मतलब पहले ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क हमेशा जीरो होगा। और फिर पता है हम लंबी लंबी थ्योरी लिखना शुरू कर देते हैं उस अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, ऐसा होगा इसलिए ऐसा होगा। कोशिश करें फिजिक्स के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बजाय थ्योरी लिखने के बेटा आप लोग है ना जस्टिफाई किया करो उसको, कोई फॉर्मूला लिख करके, दैट मीन्स मैथमेटिकल टूल दे करके सेटिस्फाई करिएगा आप अपने आंसर को। चलो इसी बात को देखो, सबसे पहले पहले बताइए डेफिनेशन क्लियर होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये कॉर्नर में देखें तो ये सर्कल इसीलिए बनाया गया है, स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि 11th क्लास में फिजिक्स में बताया जाता था ऑन द स्फेरिकल सरफेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एट एवरीवेयर। मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बराबर होती है, इसलिए कोई चीज़ स्फीयर होती थी। यहाँ पर भी ये स्फेरिकल शेप इस बात को डिनोट करती है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पोटेंशियल एट एनी टू पॉइंट आर ऑलवेज रिमेन्स सेम। किसी भी दो पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखोगे ना, पोटेंशियल बराबर मिलेगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पर सारी चीज़ें बराबर आती हैं। ये डायग्राम इस बात को सपोर्ट करता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो अभी पेंडिंग है हमारा, हमें प्रूव करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क अगर करना पड़ा तो वर्क इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज बी जीरो, कैसे आया बात करेंगे। उससे पहले एक बार है ना इस टॉपिक को ओवर कर देते हैं, करेक्टरिस्टिक्स करने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएँ हैं, पहला देखो गाइस, इट मे बी रियल सरफेस लाइक दैट ऑफ द कंडक्टर। सबको याद आ जाता है सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से उल्टा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर बताया गया था दीज आर प्योरली द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन नॉट द रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्योर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थी, और आज पहली बार बोला है दीज आर द रियल सरफेस। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर हमने कह दिया बोर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देन वी कैन ईजिली कैपेबल टू टच द बोर्ड, रियल में है हमारे सामने बोर्ड, आप समझ गए। तो पहला पॉइंट, ये रियल सरफेस होता है एक कंडक्टर की तरह से। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर हमेशा नॉर्मल होगी, लाइक दैट अगर इस डायग्राम में इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लें तो ये चारों के चारों एरो हेड इस बात को सपोर्ट करते हैं कि देन दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि वो हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद अगर कंटिन्यू आगे चलें तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है करेक्टरिस्टिक्स का, बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, UEF का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कभी कभी हम ऐसा भी कह देते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल प्लेन एंड दे आर परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्लेन देखो नीचे, बच्चा सारी लाइन पैरेलल में है,
इधर ई दिखा दें तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें ये वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा सरफेस ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप देखो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे के साथ तो पैरेलल है, और बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के ऊपर किसी भी जगह पर अगर आप चेक करें तो ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पे, हेंस दे आर परपेंडिकुलर। इसलिए कहा जा रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ तो पैरेलल होंगे, और जिस डायरेक्शन में वो आगे जा रहे हैं उस डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। फोर्थ पॉइंट, शायद आज हमें फोर्थ पॉइंट पे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरी वन आर फ्रीक्वेंटली नो अबाउट देयर। बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में हमने कहा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज में बताया वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉट कट ईच अदर, आज फिर से आ गया नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट विद ईच अदर, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अपने आप को कट नहीं करेंगे। हमने कितनी बार बोला है, जब भी कोई चीज़ कहे ना कि ये कट नहीं करेंगे, आप कट करके देख लो तो क्या आएगा जवाब, व्हेन एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट विद ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ कटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डायरेक्शंस आर अराइज, जिस जगह पर वो कट करेंगे उस जगह पर दो डायरेक्शन अराइज हो जाएगी, विच इज़ नेवर बी पॉसिबल, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ एक सिंगल टाइम में दो दो डायरेक्शन में जाए, हैंस इट नेवर बी पॉसिबल देयर। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस बता दिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल हमारा आज भी बाकी है, उस वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इतना सारा काम किया गया था। नाउ वी कम एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर आ गए हैं जिसके लिए हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और वो क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन आर ऑलवेज बी जीरो, क्यों होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y वर्क डन इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में वर्क डन जीरो क्यों होगा। नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। आप एक चीज देखो, हमारे पास एक बात आएगी वी नो दैट, हम जानते हैं इस बात को कि बच्चा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, बट हमें V नहीं लेना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस लूँ तो V की जगह क्या आएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W बाई क्यू, और बच्चा W निकाल लो, W इधर बाकी सब कुछ इधर, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, और ATS क्या लग जाएगी, स्टेटमेंट बता रही है बच्चा कि V फाइनल जब V इनिशियल के बराबर होगा और इनका कोई एक डेफिनेट अमाउंट होगा, V फाइनल V इनिशियल के बराबर होगा और इनका जब कोई एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा तभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन को लागू करेंगे। अब देखो W इज इक्वल टू Q, V फाइनल भी V हो गया, V इनिशियल भी V हो गया, तो बेटा ये कैंसिल, हेंस W इज इक्वल टू जीरो। बहुत अच्छा टाइटल था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में वर्क कितना आएगा, तो हमने प्रूव कर दिया इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क आर ऑलवेज भी जीरो, जीरो वर्क है। क्लियर हो गया, उसके बाद गए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बीच बीच में आप लोग भी बार बार बोला जा रहा है, कोशिश किया करो एक दो तीन बार स्क्रीनशॉट ले लें, बीच की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आओ गई, बहुत अच्छा अप्लीकेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूव कर दिया जा रहा है, बोर्ड में पूछी गई चीज़ें बात कर रहे हैं हम मोस्टली आज। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, आप इस बात को प्रूव करो कि कैसे जीरो होती है। तो गाइस देखो, ये एक फील्ड लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके बीच में ये कंडक्टर है, और मेरे हिसाब से यहाँ बैठने वाले सब लोगों को पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो जवाब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ई ए मीन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर कंडक्टर रखा हुआ है तो क्या आएगा, इंडक्शन आ जाएगी, इंड्यूस्ड होगा, ये पॉजिटिव इस कंडक्टर की साइड में अपने चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड कर लेंगे, और ये नेगेटिव अप्लाइड टर्मिनल अपने इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड करेगा,
और अगर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो गया तो अंदर की तरफ से पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वेक्टर इधर आ जाएगा, जिसको EI से प्रेजेंट किया है। समझ रहे हैं बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो अप्लाइड था, बाहर से लगा दिया एक्सटर्नल सोर्स, ये कंडक्टर अंदर रखा है, बाहर जिधर पॉजिटिव है वहाँ कंडक्टर का नेगेटिव हो जाएगा और जहाँ यहाँ नेगेटिव है वहाँ कंडक्टर का पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है EA अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चा EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताया गया था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो रूल तो ये कहते हैं ऐड कर दो। तो देखो बेटा ET इज इक्वल टू EA प्लस और फिर माइनस EI, क्यों? क्योंकि हमने कहा था हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसको नेगेटिव साइन दे देंगे। देखो ई टोटल EA हम इसके डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्लस दूसरे वाला भी ऐड करना था, लेकिन EI कहाँ है, EI ई से अपोजिट है, तो EI का साइन कैसा हो गया, माइनस EI, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास ई टोटल EA माइनस EI आ गया। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिमेन सेम, मतलब जितना अप्लाई करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड होगा। तो अब मोड वैल्यू EA की और EI की ले ली, वो किसके बराबर है, E के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे E टोटल E माइनस E, E से E कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा E टोटल इज ज़ीरो। बहुत अच्छा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, कैसे हुई प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को भी। गाइज आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत क्रेजी है हम इस चीज़ को जानने के लिए। देखो बच्चा नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो, आज ये प्रूव कर देंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर भी चार्ज जीरो होता है। तो एक चीज़ तो आपको भी पता है, चार्ज इंडक्शन कर जाएगा, अंदर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो वी नो हमें क्या बताया गया था, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटायर सरफेस इंटीग्रल EDS के बराबर है, फ्लक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन वन मान ली। सेकेंड, जैसे ही हम यहाँ पर फिंगर पुट करते हैं सबकी आवाज़ आती है सर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, गॉस के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एज गॉस लॉ। तो बेटा φe इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो गया, q/ε0। अब एक काम करो, 1 और 2 दोनों को कंपेयर करो तो हमारे पास क्या आएगा, एंटायर सरफेस इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू q/ε0। बट अभी क्या प्रूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कंडक्टर में हमेशा जीरो होगी सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कंडक्टर में जीरो हो गई तो इसका मतलब बच्चा 0 × dS जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा q/ε0 इज इक्वल टू जीरो, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हैंस हमारे पास क्या आ गया, q इज इक्वल टू जीरो, पूरा प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब याद आया आपको गाइस 2006 में, 2014 में और 2018 में तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए हैवी रेनी सीजन एट व्हाट प्लेस यू फील सेफ आइदर अंडर द ट्री और इन ए कार, मतलब बहुत तेज़ बारिश अगर हो रही है तो बेटा बहुत तेज़ बारिश में आप अपने आप को एक पेड़ के नीचे सुरक्षित महसूस करेंगे या एक कार के अंदर, तो गाइस जवाब आएगा इनसाइड ए कार, इवन दो द कार मेड अप ऑफ मेटल, भले ही कार मेटल की बनी हुई है फिर भी हम कार के अंदर सुरक्षित है, क्यों, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और ना ही वहां पर चार्ज एंटर करता है। सपोज बिजली गिर भी गई कार पर तब भी पूरा चार्ज और पूरा पोटेंशियल कार के आउटर सरफेस पर होगा, समझ गए आप, तो यू आर सेफ इनसाइड ए कार इंस्टीड ऑफ अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे आने के बजाय आप कार में सुरक्षित हैं। बच्चा लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे लेक्चर का, ले लिया करो 2-3 बार, और बेटा बार बार बोला जा रहा है आपको डेली, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ शेयर कर दें मैक्सिमम लोगों को ताकि वो लोग भी पढ़ लें। थैंक यू।